प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का जो विषय है बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम आज इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे कि नावान मंत्र की साधना कैसे की जाए, मतलब नावान मंत्र को जागृत करने के लिए, नावान मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और लिटरली मैं बता दूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस वीडियो को अपलोड करने का, मैं मजबूर होकर एक तरह से किया। रीज़न दैट कि जो मैं पिछली वीडियो अपनी गृहस्थों के लिए नावान मंत्र साधना डाला था, नावान मंत्र की पूजा डाला था, वो एक बहुत ही छोटा सा वर्जन था जिसे कोई भी गृहस्थ कर सकता था आसानी से। उसमें केवल जप करना था, उसकी श्रद्धा डिपेंड कर रही है, उसके अंदर की भावना विश्वास डिपेंड कर रहा है कि उसका कार्य होगा या नहीं होगा। परंतु इसमें कुछ ऐसे कमेंट आए जो कि मेरे ही ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिए कि गुरुजी, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कुछ उसके साथ अप्रिय चीज़ें हुई तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे, आप फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से, जो लोग आहत हुए मेरे उस वीडियो से, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। परंतु मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो प्रामाणिक होता है। आप मेरे द्वारा दी गई जो प्रीवियस जानकारी थी गृहस्थों के लिए, जो नावान मंत्र मैंने बताया था, उसका कहीं भी जाके किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी तांत्रिक से, आप उसे जाके चेक करवा सकते हैं कि ये विधि सही है या नहीं है। और अगर यही आपको जानना है कि उसकी संपूर्ण विधि क्या होती है, तो लीजिए, मैं आपको देता हूँ संपूर्ण विधि। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जप की विधि है, मतलब जब आप पूजा पे बैठते हैं मंत्र जप के लिए, तो उसमें जो न्यास, जो विनियोग होते हैं, जो आपकी अलग क्रियाएं होती हैं, जो ध्यान होते हैं, उनके बारे में आज मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों में ये विश्वास हो कि हाँ, पंडित जी प्रवीण पांडे जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। परंतु ये पूर्ण साधना विधि नहीं है। रीज़न दैट कि मंत्र जप करने से ही, न्यास या विनियोग करने से ही ये चीज़ें सिद्ध नहीं हो जाती हैं, इनके आगे और पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप डायरेक्टली पूजा पे तो बैठते नहीं हैं, अगर आप नावान मंत्र साधना कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी। और उस तैयारी को कैसे करना है वो विधि में ही शामिल होता है, जो कि मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। उस पार्ट 2 में भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि कलश की कैसे स्थापना करें, माँ को क्या भोग लगाएं, किस तरह के फूल चढ़ाएं, कैसे फूल चढ़ाएं, प्रतिदिन आपको भोग लगाने हैं सुबह शाम या क्या करने हैं, आप जब मंत्र जप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, और मैं डैम श्योर हूँ कि कुछ न कुछ चीज़ें और छूट जाएंगी जिन्हें मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। रीज़न दैट कि आज का ही वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जानते हैं नावान मंत्र के बारे में। जिस तरह से हर देवी देवता के एक मूल मंत्र होते हैं, वैसे ही माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो शीघ्र फल प्रदान करता है तथा पूर्ण कृपा माँ की प्रदान करने वाला है, वो है नावान मंत्र। लेकिन इस साधना को पूर्ण विधि विधान से ही करना चाहिए अगर आप इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, अगर आप इस मंत्र को जागृत करना चाहते हैं। अन्यथा इसका परिणाम आपको विलंब से मिलेगा, इसका फल विलंब से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं नावान मंत्र में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस मंत्र को बहुत ही रहस्यमय और गोपनीय कहा जाता है। परंतु आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि ये तो आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी किताबों में मिल जाएगा, तो ये गोपनीय और रहस्यमय कैसे हुआ? ये गोपनीय और रहस्यमय इस तरह से हुआ कि अगर जब भी आप इसको जागृत कर लेते हैं और आप कहें कि इसकी ये शक्ति है, मैंने यूज़ किया है इसको, तो नहीं, आप गलत हैं। इसकी अनंत शक्तियां हैं, आपको प्रयोग करने नहीं आएगा, हमें प्रयोग करने नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि मैं इस मंत्र की पूर्ण शक्तियों से परिचित हूं, तो वो झूठ बोलता है व्यक्ति, वो गलत है। उसने नावान मंत्र को जागृत किया ही नहीं है।
क्योंकि इसकी शक्तियां अनंत हैं, इससे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, बहुत सारी समाज सेवा की जा सकती है, बहुत सारे चीज़ों में इसको इसका उपयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस नवान मंत्र साधना में माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, उनके जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सभी बाधाओं से ये मुक्ति देता है, कष्टों का निवारण करता है। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थ हैं, इनको ये मंत्र देने वाला है। ये नवान मंत्र सभी प्रकार के ऋणों से हमें मुक्ति देता है। सभी जो कार्य हमारे विलंब से होते हैं, जो उनमें बाधा आ रही है उनको जल्दी, उनमें जो बाधा आ रही है उनको दूर करता है, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। अब देखिए, ये चीज़ें तो लाभ हैं, और ये लाभ हम क्यों उंगली पे गिना रहे हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी शक्तियाँ क्या हैं, कैसे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप कभी भी मुझे गुरु मानने की गलती ना करें, क्योंकि मैं स्वयं अभी सीख रहा हूँ, मैं आपका गुरु नहीं बनना चाहता। जब मैं सक्षम होऊंगा तो मैं स्वयं कहूँगा कि भैया मैं गुरु बन सकता हूँ, मैं अभी गुरु नहीं बन सकता हूँ। मेरे पास कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, तो अभी अधजल गगरी छलकत जाए मुझे मत बनाइए। सो ये कमेंट मत करिए कि मैं आपको गुरु मान चुका हूँ या आपको गुरु मानता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सबसे सर्वोत्तम रास्ता मैं आपको बता दूँ गुरु का, तो आप भगवान शिव को गुरु मानिए, और उनको कैसे मानना है, क्या करना है, उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, मैं उस पर पूरी डिटेल आपको बता दूँगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि इस मंत्र को नवान मंत्र क्यों कहते हैं, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूँ जो गृह साधना दिया था, कि उसमें इसे नवान मंत्र क्यों कहते हैं। देखिए, इसमें नव अर्ण होते हैं, मतलब नवान मतलब नव अर्ण, नव अक्षर, नव नव अक्षर कह लीजिए या नव मंत्र कह लीजिए, नव मूल मंत्र कह लीजिए। तो नव अक्षरों से जो मंत्र बनता है उसे नवान मंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक शंका होगी कि यहाँ पे तो ओम भी है, ओम का मतलब ये हो गया कि भैया ये तो 10 अक्षर हो गए। मैं आपको बता दूं कि ओम एक नाद है, वो मंत्र नहीं है। और ओम किसी भी मंत्र के आगे इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें जो भी दोष हो उसे वो मुक्त करे, उसे वो दोष को हटा दे। इसके अलावा उसकी एनर्जी को कंट्रोल करे। अब ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से एनर्जी है, हम उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब किसी बैटरी को चार्ज करना, उसे डायरेक्ट आप प्लग में लगाइए और डायरेक्ट बिजली की सप्लाई दे दीजिए, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे आपको एक चार्जर का यूज़ करना पड़ेगा जो कि उसके लेवल की विद्युत उसे देगा, ऊर्जा उसे देगा बैटरी को, ताकि वो चार्ज हो पावे। सेम उसी चार्जर का काम करता है ओम। ओम जो है हमारी जो भी ऊर्जा आ रही होती है उन्हें हमारे शरीर के अनुरूप बनाकर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे कि हम ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाएं तथा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये है आपका नवान मंत्र। चलिए अब जानते हैं कि नवान मंत्र जपने की विधि क्या है, इसमें कितने न्यास हैं, कितनी आपको इसमें कितने विनियोग करने हैं, तथा इसमें आपको कितने ध्यान करने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस कारण से मैं जो ध्यान मंत्र या जो भी कुछ है उसको डिस्प्ले पे आपको आपके शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें जहाँ जहाँ हल्का फुल्का मुझे लगेगा समझाने की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट रहेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। नहीं समझ में आवे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इस साधना को कैसे करें ताकि सफलता के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ डिपेंड करता है कि आपका वो सीक्वेंस क्या है, आप अनुशासन में रह के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो अनुशासन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्रमशः विनियोग, न्यास और ध्यान करना पड़ता है। इन चीज़ों के थ्रू अगर आप करते हैं, उसके उपरांत आप मंत्र जप करते हैं, तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपकी श्रद्धा विश्वास भी इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऊपरी मन से आप औपचारिकता केवल करेंगे तो भगवान को औपचारिकता नहीं चाहिए, उन्हें भावना चाहिए, भाव चाहिए।
देखिए, इस मंत्र का अनुष्ठान जो मूल अनुष्ठान होता है वो लगभग 5 लाख मंत्रों का होता है। फिर भी अगर आप छोटे रूप में करना चाहें तो 9 माला प्रतिदिन का संकल्प लेके इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसीजर ये हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय इसमें जाएगा, परंतु आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये बात की कि 5 लाख मंत्रों या 9 माला पर डे, लेकिन मैं अपनी ही बात का यहाँ खंडन करूँगा। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपके अंदर विश्वास हो, आपके अंदर दृढ़ता हो, माँ को माँ की कृपा पाने की प्रबल इच्छा हो, एकमात्र वो गोल हो, एकमात्र वो एम हो कि माँ का हमें माँ की कृपा पानी, उनका आशीर्वाद हमें पाना है, तो हो सकता है कि आपको मात्र 11-12 मंत्र जप करने पे ही ये मंत्र जागृत हो जाए। सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। आप किस तरह से, किस भावना के साथ में इस चीज को कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है। बिल्कुल उल्टा होगा, मन में अगर वासना आप रखेंगे तो उल्टा होगा। देखिए, होता क्या है कि आप अपने मन को पहले साफ करिए। मैं हमेशा आपको, देखिए, मैं इसके पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी कुछ आएगा तो उसमें बताऊंगा कि आपको अपने मन को साफ कैसे करना है, ध्यान केंद्रित कैसे करना है, सारी चीज़ों को कैसे हटाना है अपने दिमाग से। नहीं तो पता चला यहाँ पे आप कह रहे हैं ओम ऐम ह्रीम क्रीम चामुंडाए विच, पता चला कि ओम ऐम ह्रीम 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 करने शुरू कर दिए। कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे कि बस ये चल रहा है मन में, कोई और उनकी गर्लफ्रेंड घूमे जा रही है। भैया, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हमेशा मिलती रहेंगी, कुछ दिनों के लिए उनको साइड में रख दीजिए, ठीक है। मानता हूँ यंग एज के होंगे, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आपकी होंगी, बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें होंगी, लेकिन उन चीज़ों को साइड में रख दीजिए, इस साधना को कर लीजिए, ये आगे आपके बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए, अब बात करते हैं इस साधना के क्रम की। देखिए, सर्वप्रथम इसमें विनियोग करना है आपको, जो आपकी डिस्प्ले पे दिख जाएगा। इस विनियोग को करते वक्त आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग को पढ़ें। अगर चाहते हैं आप बिना जल के, तो बिना जल के भी हाथ जोड़ के विनियोग को पढ़ सकते हैं। तो विनियोग को पढ़ने के बाद किसी ताम्र पात्र में, आप जब आपका विनियोग पूरा हो जाए तो किसी ताम्र पात्र में उस जल को आप छोड़ दीजिए।